मैं पीछे से देखूं तेरे लेफ्ट शोल्डर जो तो राइट शोल्डर बोल रहा था ना, मतलब लेफ्ट शोल्डर ज्यादा आगे है, बहुत आगे की तरफ पिट्यूटरी है, तो इसके लिए दोस्त एक्सरसाइजेस करनी है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ शुभम वर्मा है। दोस्तों आप में से भी कोई शेफ हो या कोई भी स्टैंडिंग जॉब में हो और उसके साथ ये दिक्कत हो रही हो, प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिएगा और ये भी सुनते हैं कि क्या क्या इन सब चीजों का ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। ऐसे है कि अगर मैं जिम करता हूँ तो फिर मेरे को ट्राइसेप्स करते हुए ये वाली बाजू में ज्यादा उठाया नहीं जाता, मेरे से तो हैवी वेट गिर जाता है मेरे हाथ से। जिसको हम पोस्चरल इम्बैलेंस या वेट आप एक तरफ ज्यादा डालते हैं उसकी वजह से आपके एंकल में रोटेशन आ जाता है, जिसको हम प्रोनेशन भी बोलते हैं, जब अंदर की तरफ मुड़ जाता है। मुझे पहले तो मेरे शोल्डर में थोड़ी सी पेन रहती है हर टाइम, तो ये बहुत सालों से है, मतलब 3-4 साल हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे को आगे को शिफ्टेड लगता है थोड़ा सा, और मेरे को ये पेल्विक एरिया में पेन रहती है और मैं अपनी टांगे से पूरी नहीं खोल सकता, तो और मेरे को नी में भी प्रॉब्लम दर्द होती है और एंकल में भी। और जब भी आप लॉन्ग टर्म खड़े रहेंगे ये प्रॉब्लम डेवलप होगी ही होगी। हो सकता है कि किसी को कोई भी स्टैंडिंग जॉब में 10 साल बाद डेवलप हो, किसी को पहले 5 साल में हो, किसी को 20 साल बाद हो। इसका मतलब ये कि वो पहले से दिक्कत नहीं थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट हुई है। तो आप सब लोग भी ये ध्यान रखें कि अपने एक्सरसाइज में बॉडी को स्ट्रक्चरली सारी तरह से एक्सरसाइज करें, कोर को स्ट्रांग रखें। जितना कोर स्ट्रांग रहेगा उतना ही वो ज्यादा आपके बॉडी को बैलेंस रखेगा। जब ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है या आपको लगती है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपने प्रोफेशन में 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे पास में आए। हम क्या कर सकते हैं, जो मसल्स टाइट हैं उनको हम रिलीज कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे कंपेयर टू दी अदर साइड। और जब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जब आपके पाँव में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, आपकी नी में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, और कंटिन्यूसली एक चीज जरूर करते हैं वो ये है कि आप कंटिन्यूसली अपने पाँव को चेंज करते रहेंगे, आप एकदम स्टैंड अलोन एक पोजिशन में खड़े नहीं रहेंगे। तो आपको समझ जाने की जरूरत है कि बॉडी थक भी है और आप एक जगह पे कंटिन्यूसली खड़े नहीं रह पा रहे। तो आप यानी किचन में तो आप वॉक कर ही सकते हैं या अपनी पोजिशन चेंज कर ही सकते हैं, वो बस ध्यान रखें। अच्छे सॉफ्ट शूज पहने, इनसोल बना सकते हैं, पहन सकते हैं शूज के साथ तो वो पहने। अपर बॉडी की जो भी ये कंक्लूजन बता रहा है, जो भी चेंजेस बता रहे हैं, सब मस्कुलर वीकनेस के साइन है। इसको स्ट्रेच भी करना है, इसको स्ट्रेंथन भी करना है और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली वीक हो गया हो, लेकिन इतना हो सकता है कि इसका शोल्डर पूरा अच्छे से रोटेट ही ना होता हो, क्योंकि स्कैपुला ग्लाइड ही नहीं करती हो। तो आपको फिर स्कैपुलर स्टेबिलाईजेशन पे, सिंगल आर्म मूवमेंट्स पे कोशिश करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कैपुला खुले। कुछ पंचेस कर सकते हो, है ना, कुछ पुशअप कर सकते हो, पैरेलल बार डिप्स कर सकते हो, ताकि आपके आर्म्स और ट्राइसेप्स वेट लेना चालू करें। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे इस वीडियो में पूछ सकते हो। मैंने अब तक शुभम का एडजस्टमेंट नहीं किया है, मैं भी देखता हूँ कि शुभम कैसा फील कर रहा है। इतना बड़ा करे से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। लेटेंगे फेस डाउन। उनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला। ये है तेरा अफेक्टेड पार्ट, इसमें काफी एलिवेटेड है, स्ट्रेट लेटेंगे। इजी इजी ओके आपके बैठेंगे। आज ये जो एडजस्टमेंट हुआ है इसके बाद कैसा फील हो रहा है? इससे तो थोड़ा फ्री लगता है। बस हाँ, मैं पीछे से देखूं तेरे लेफ्ट शोल्डर जो तो राइट शोल्डर बोल रहा था ना, मतलब लेफ्ट शोल्डर ज्यादा आगे है, बहुत आगे। देख दोनों के एक्सेस दिखेगा, लेफ्ट शोल्डर पूरा ही वीक हो चुका है, ठीक है, कंपेयर टू द राइट। राइट भी आगे है, ऐसा नहीं है राइट आगे नहीं है, पर लेफ्ट सबसे ज्यादा आगे हो चुका है।
आगे जा चुका है और ये पीछे है। तो अगर सेम लाइन पे भी ये देखें, ये जो स्ट्रिप जारी है इसको भी देखें, लेफ्ट पे ही आगे की तरफ प्रोट्रूडेड है। तो इसके लिए दोस्त एक्सरसाइजेस करनी है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है विंकिंग ऑफ स्कैपुला, वो देख के सारी मूवमेंट्स और बहुत सारी शोल्डर की मैंने एक्सरसाइज वीडियोस बनाई है, उस पर ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में आ रही है अभी, तो आपको अभी उसको पहले ही ट्रीट कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाके बढ़ सकती है, फिर और मुश्किल हो सकती है, तो आपको डॉक्टर के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करें। पेशेंट की मुंह से इसलिए भी सुनना पसंद करते हैं कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कोई और नहीं बता सकता। मैं मेरे बोलने से वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो आप, हाँ मैं अब इसको देख के ये बोल सकता हूँ कि इसने काफी लेटा है और आई एम श्योर इसको कोई ना कोई शोल्डर में कभी ना कभी माइनर इंजरी हुई होगी जिसकी वजह से ग्रेजुअली धीरे धीरे शोल्डर वीक हुआ है। सो आज से ही शोल्डर पुशअप और बाकी सारी चीजें करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है इम्बैलेंस की और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक नहीं होगी, ये प्रॉब्लम घर बैठ के ठीक नहीं होगी, इसको आपको बाहर निकल के आउटडोर में जिम में और बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो हमारे पास आए, थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।